अपडेट को स्वागत करछु मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो पुरी पिपली बळगा थाना रे विस्फोरण उडिला थाना रो छात भुसुडिला काथ आईआईसी ऑफिस हाजत समेत बहु गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र नष्ट थाना रे थिबा विस्फोरक सामग्री ओ बैटरी फुटी जाईथिबा सूचना करंजिया सब ट्रेजरी ऑफिस रे अग्निकांड भोर समय रे ऑफिस रूम रे लागिगला निया अग्निकांड जोगु ऑफिस रे थिबा गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र नष्ट शॉर्ट सर्किट जोगु निया लागि जाईथिबा सूचना पैंतीस प्रकार नूतन किस्मर फसल को राष्ट्र उद्देश्य से समर्पित कले प्रधानमंत्री दिन एगारटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदेवे मोदी उन्नत ज्ञान कौशल में विकसित होइछि नुआ किस्मर फसल जो रही जलवायु परिवर्तन एवं पुष्टिहीनता सह लड़िबार क्षमता श्रीमंदिर रत्नभंडार चोरी हो जाइछि कि सुना अलंकार 1960 मसिया परठारु रत्नभंडार चाबी ट्रेजरी को जाय नाही सूचना अधिकार आईन रे आसला बड़ तथ्य कहा पाखरे थिला चाबी रत्नभंडारे सुरक्षित अछित रत्न सृष्टि हेला बड़ प्रश्नवाची निर्वाचन परे निर्वाचन जाउछि पुरण हेउनी पिपली बासिंक दाबी 30 वर्ष परे भी स्वप्न पलटिछि पिपली रे बस स्टैंड निर्माण कार्य गमनागमन को नहीं स्थानीय जनसाधारण असुविधा सम्मुखीन प्रश्न पचारे मुह बुलाई जाउछन्ती बीजेडी दलर विधायक प्रार्थी भारत में बर्मुडा ट्रायंगल बात्या गुलाब बेले घटला रहस्यमय घटना 100 रु अधिक किलोमीटर यात्रा करी पहुंचला रहस्यमय बोट ना थिले यात्री ना थिले मत्स्यजीवी घटना को नहीं एवं उभय आंध्र और ओडिशा रे चर्चा वीर संग्रामीों देश प्रेम को झुरुची रक्ततीर्थ इरम शहीद दिवस अवसर में देश मन पका 28 स्वाधीनता संग्रामी प्राण बलिर कहानी 1942 आज दिन में साधारण सभा उपरे ब्रिटिश फौज करिथिला आखिबुजा गुली बर्षण एवं दुर्बल होगा सहित लघुचापर रूप नहीं पश्चिम भारत मुहां बात्या गुलाब सेपटे बंगोपसगर राज्य को आ दुई लघुचाप आसवा नहीं आकलन 29 सेप्टेम्बर और अक्टोबर 9 सृष्टि हेब लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में दुई सप्ताह पर्यंत ओडिशा रे लागि रहिब वर्षा आसवा संपूर्ण खबर को पूरी बळगा थाना रे भयंकर विस्फोरण माटी रे मिसिगला बळगा थाना भांगिला काथ उड़ीला छात अल्पके बर्तिले जड़े पुलिस कर्मचारी बळगा थाना रे थिबा बालगोदाम गृह रे होईछि बड़ धरणर विस्फोरण गतकाली राति प्राय 12टा समय रे विस्फोरण होई ध्वंस हो जाइछि थाना थाना भितरे थिबा जपत विस्फोरक रु बड़ विस्फोरण होइतिबा अनुमान करा जाउछि थाना भितरे पड़ रहिछि गता गता विस्फोरक घटनास्थल रे बम स्क्वाड और ड्रग स्क्वाड पहुंची तदंत करिछंती पुरी एसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल में पहुंची तदंत करिछंती तेबे विस्फोरण रे शब्द एत भयंकर थिला जे आखपाख लोक भयभीत हो पड़ते हमरा हाई लेवल इंक्वायरी स्टार्ट हो जाए और मालखाना रे किसी आइटम पाई किसी डिटेल्ड इंक्वायरी पर हमें किसी कहिबो कल रात जो भाया आवाज है से आवाज को आम तो विश्वास कर पार घड़ घड़ी कि कौन ता पछे पछे वर्षा है आम तो घर जेहेतु थाना पाखे आम घर एत दूर भी आम जापारूनु जमी के मानने अघटन घटी थी बोली विश्वास कर पारूनु किंतु आम जो सका आसी देखु ये अघटन एत मर्मदायक कथी जे आम जापारून ये कौन केमती है कि लोक ये भयभीत हो जाती कल राति एमती के घड़ घड़ी हो साउंड हुए नहीं कौन साउंड सका देखला पर लोक ये आश्चर्य हो जाए भयभीत हो जाए कौन आपको कौन हो कौन ना तदंत जना पड़ बारटा पाँच दस रोत भयानक विस्फोरण घटी पूरा एरिया थरी उठी
कालूचरण साहू आम प्रतिनिधि सदाशक घटनास्थल अच्छा कालूचरण पाखक जावा कालूचरण पूर्व बुलेटिन में आम जमी आलोचना करते आप पूरा दृश्य देखाते जो परिमाण में विस्फोरण घटी एक सांघातिक विस्फोरण और निहाती स्थानीय लोकों जहाँ प्रतिक्रिया सामना को आसूला एत जोर शब्द है से कन्फ्यूज है विस्फोरण क्योंकि घटला कहीं घटला एपर्त किसी स्पष्ट सूचना आसीपारे कि विस्फोरण पचर कौन रही पारे कारण कालूचरण निश्चित भाव निवेदिता जिते विस्फोरण टी राति पखापाखि बार गोटे भितर घटनाटी घटी पूरा अंचल पूरा संपूर्ण भाव धूआमय होता पूरा संपूर्ण अंचल पूरा ताब्दा हो जाता कहीं एत भयानक से विस्फोरण जहाँ कि तीन रु चार बैटेरी फाटी थवे बड़ विस्फोरण होता गोटे प्रकार चर्चा होती पुरी एसपी प्रतिक्रिया हूँ जो थाना बरंगा थाना निकट पाखक लगे एक बखरा भितर मालगोदाम घर जहाँ कहता है ता विस्फोरक किसी बाण सामग्री रखा जाता जहाँकि विस्फोरण घटी बैटेरी द्वारा विस्फोरण होता पे सूचना मिले कि बम स्क्वाड हो डॉ स्क्वाड हो समस्त तदंत कर फेरी कि वर्तमान तो स्पष्ट हाबक ना घटना टी कि घटी और केन्द्रांचल जी आईजी अच्छा से आसिक घटना संपूर्ण भाव अनुधान कर पुरी एसपी प्रतिक्रिया हूँ उच्चस्तरीय तदंत एक टीम गठन कर उच्चस्तरीय तदंत चली तेज बड़ प्रश्न उठाए कि भाव बरंगा थाना निकट पूरा थाना गृह को लगिक विस्फोरक मान रखाला विस्फोरक केवे जबत होगा कारण कहीं पुलिस नियम अनुसार विस्फोरक जो जबत करपोज करता कि कहीं दीर्घ दिन धरिकी विस्फोरक सामग्री गुड़ाक थाना निकट रहा नहीं चर्चा लगी रही कारण कहीं थाना निकट रही मेडिकल टीए रही पाखे घर गुड़िका रही केवल अल्पके बर्ती जाइए कहुपर भगवान वशतः अल्पके बर्ती जाइए अंचल कारण कहीं ये भयानक चित्र पूरा संपूर्ण भाव वर्णना करवा बोधे स्थानीय अंचल लोक मन स्पष्ट हो पड़ी कहीं जिते बरंगा थाना भितर पाखापाखि रात बारटा गोटे भितर घटना घटी जिते पिपिल उपनिर्वाचन चलती थाना अन्य अन्य थाना अधिकारी मैंने रही था अन्य स्थान स्टाफ मैंने आसी रही था से मैंने पिपिल जेहतु उपनिर्वाचन चलती पिपिल अति निकटवर्त थाना रही पिपिल किसी अधीन थाना जाऊँच किसी अंचल अधीन कि संपूर्ण भाव में जब गत काली रात पाखापाखि जड़े दुईज पुलिस कर्मचारी थाना भितर ड्यूट करते कि जड़े भाग्यवशत बंची जाता कहुच ओएसी सूचना दौले कि जड़े जी सेंट्री दायित्व थे से केवल थाना भितर थे जिते बारे शब्द टी सुविधा से थाना भितर बाहरी पलि आसते बड़ अघटन टी घटला पाखापाखि तीन रु चार बखरा घर संपूर्ण भाव मटी में मिशी जाइए गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र संपूर्ण पड़ी पाउँस हो जाए एसपी एवं केन्द्रांचल आईजी उभयों भितर आलोचना चलती थाना परिसर चित्र देखा चाहिए पुलिस पूरा संपूर्ण मुतयन अच्छा थाना निकट रू पाखापाखि शहे मीटर दूर लोक स्थानातरित कर पुलिस बारंबार कहते कि लोक मैंने मानुना कारण कहीं हूं तो ये आकलन करें जो विस्फोरण टी घटी से भितर कि आहरी अधिक विस्फोरक थपे बोल चर्चा हो चर्चा होती है पूर्वतन ओएसी थे एठार से जो विस्फोरक जबत करते से बर्तमान सुधा भी डिस्पोज कर ना तेज ये बड़ प्रश्न विस्फोरक जबत हाँपर कहीं डिस्पोज करा नहीं बड़ प्रश्न सृष्टि ता पुलिस एसओपी भितर जाऊँच ना डिस्पोज के करा कथा से विभिन्न दिग्वर एसपी पूरी एसपी तदंत कर भाव में विस्फोरक घटला नहीं बड़ प्रश्न सृष्टि निवेदिता कि स्थानीय लोकों कहवा अनुसार एत भयानक कान पूरा ताब्दा हो जाता से समय पूरा अंचल धूआमय होता एटी बड़ प्रश्न जिते बारे थाना परिसर भितर एभली विस्फोरक जबत कर रखा जा कहीं सुरक्षित स्थान रखा कहीं सुरक्षित स्थान पिपिली उपनिर्वाचन मझे गोटे दिन रहा बड़ंगा थाना एभली विस्फोरण घटा कि अलग दिग को इंगित करूँ यार गोटे स्पष्ट चित्र आसवा दरकार कम से कम प्रतिक्रिया जहाँ रखुच्चे आप पुलिस अधिकारी प्रतिक्रिया पूर्व नौते तदंत चली तदंत के समय लगे और प्रकृत में विस्फोरण पचरे कौन रही था पारे कारण स्पष्ट होगा दरकार बहुत बहुत धन्यवाद कालूचरण साहू आम रिपोर्टर सदाशक आमको बड़ंगा थाना परिसर आमको सूचना देते मयूरभंज जिला करंजिया ट्रेजरी ऑफिस रे भयावह अग्निकाण्ड घटी विद्युत सर्ट सर्किट रु निया लगिथिबा संदेह करा जाउछि अग्निकाण्ड रे बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र सहित कंप्यूटर जळी पड़ी नष्ट हो जाइछि घटनास्थल रे अग्निशमन टीम पहुंची न्याको आयत्त करबा को उद्यम जारी रखिछि भोर समय रे ए अग्निकाण्ड घटिथिबा सूचना मिलिछि भोर प्राय 4टा समय रे करंजिया ट्रेजरी ऑफिस रे कोला रंग धुआ पारिथिला
ପରେ ଅଫିସରେ ଥିବା କାଗଜପତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଅଫିସରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହେବା ବେଳକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। करंजिया प्रतिनिधि बिंदुसर दास आम सहित जोड़ बिंदुसर जानवाक चाहबू जो प्रकृत में केमती निया अग्निकाण्ड केमती घटला केमती निया लगला केते कागजपत्र जलीपोड़ी नष्ट केते धनसंपत्ति क्षयति एवं केमती जो अग्निकाण्ड घटला पूरा कारण कौन रही था पारे आ पक्ष किसी सूचना आसुच्छे बाबद प्राय भोर चारिटा बेले से अग्निशम ये आमर जो रही गृहरक्षी रही सब खबर पाई खबर पाइबापर से अग्निशम विभाग को खबर देते अग्निशम विभाग आसी निया को आयत्त करता किंतु एटी केमिति निया लगला कौपरी अवस्था निया लगला ता बर्तमान तदंत सापेक्ष किंतु आमे जो कर्मचारी रही जो हाबिलदार रही सी प्रथम निया देखिले किमती निया जलुची एवं खबर देते अग्निशम विभाग को एवं ऑफिस रे ताला पड़ा से बहुत कष्ट ताला को भांगी भांगा से निजे कि पानी आणिक ढाली ढाला पर अग्निशम विभाग आसिक लिभेगी तेरे कौन सब क्षति होती कौन सब कागज पत्र आम पचार बुझा आपंट जड़े अवसरप्राप्त कर्मचारी पचार कौन केमी आप बसिक देखे कौन सब पड़ी ना कागज पत्र तो किसी पोड़ जाइए तेरे ये आम पेनसन भोगी मान प्राय 900 खंडे ट्रेजरी आम पेनसन नौ तेणु कौन है कौन ना किसी जना पड़नी कौ कागज पोड़ी जदि पेनसन बाबद कागज पोड़ थाए तेज समस्ते बहुत दुख कष्ट पाए ठीक दिन में आम पेनसन टा पाईपर ना बहुत बहुत धन्यवाद करंजिया प्रतिनिधि बिंदुसार दास समस्त दासक ट्रेजरी ऑफिस परिसर चित्र देखाउथले जे अग्निकाण्ड केमती घटला जदियो स्पष्ट होइनी किंतु अनेक गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र सहित कंप्यूटर पड़ी जाइथिबार जा सूचना आसुछि तेणु कारण कौन पछरे केमती अग्निकाण्ड घटला एवं केते गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र जलीपोड़ी नष्ट होते क्षयति होार रिपोर्ट आसवापी हूं तो विलंब हे और निहाती स्पष्ट हे जो अग्निकाण्ड पचरे कौन रही कारण नुआपड़ा गोधस जलप्रपात रे डेई दुई जन निखोज घटना 46 घंटा पर प्रेमी जोगकड़ मृतदेह उद्धार कला नुआपड़ा अग्निशम विभाग मृतक द्वय छत्तीसगढ़ थुहापानी गाँव बोली जमापड़ी से धनीराम आंटी और देमती सोरी गत 26 तारीख दिन से बैक आसने बैक्रु ओ जलप्रपात को डेई पड़ते तेज से जलप्रपात को डेईवा बेले स्थानीय अंचल किसी लोक देखते से धर्मबंधा थाना जन घटनास्थल में बैक पोशाक और एक सुइसाइड नोट था अग्निशम बाहन और पुलिस पहुंची से खोजाखोज कर तो भारत में बर्मुडा ट्रायंगल बात्या गुलाब बेले घटला रहस्यमय घटना गोपालपुर मंचनील पेटा 100 रु अधिक किलोमीटर यात्रा करी पहुंचला रहस्यमय बोट ना थिले यात्री ना थिले मत्स्यजीवी शुणिले आश्चर्य लगुछ ना हेले घटना को नहीं एबे उभय आंध्र और ओडिशा रे चर्चा भारत में बर्मुडा ट्रायंगल बात्या गुलाब बेले घटला रहस्यमय घटना गोपालपुर रु मंचनीलपेटा यात्रा 100 रु अधिक किलोमीटर यात्रा करी पहुंचला रहस्यमय बोट ना थिले यात्री ना थिले मत्स्यजीवी तांके से माने जाईथले 6 जन बोट लोक माने जाईथले बोट आनिया पई जाईथले जाईथला कु एमतिया बात्या हो बोलकी जना नथला से माने कोन करले समुद्र त भितरे बोट 6 जन जाईथले आकुपिल ग्राम बोल गोटे ग्राम रे से ग्राम पाखे तूफान आसी घटला से घटला सांगे सांगे तीन जन डेकी
ତୋଡ଼କୁ ତିନି ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାର ପଛକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯାଇଥିଲା, ସେ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ବୋଟ୍ରେ ରହିଗଲା। ସେ ବୋଟ୍ ପାଖରେ ଖାଲି ବୋଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି, ଆମର ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ସେ ନଦୀକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ପ୍ରଶିଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିଲା କିଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ବିଚିତ୍ର କଥା। ସେ ଛୁଆଟା ହେଉଛି ସେ ସୁନ୍ଦରକାନ୍ଥରେ ପଡ଼ିଲା କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ଛୁଆର କଥା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଘଟଣା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ସ୍ଥାନ ଗୋପାଳପୁର ଗଞ୍ଜାମ, ସମୟ ସକାଳ 7:20। ନୂଆ ବୋଟ୍ କିଣିସାରିବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର 6 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଞ୍ଚ ନୀଲପେଟା ଅଭିମୁଖେ। ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିସାରିଛି ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ, କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବୋଟ୍ରେ ଚଢ଼ି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 6 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା କୌଣସି ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସମୟ 9:30, ଖବର ଚାଲିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ବାତ୍ୟା ଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବ ନାହିଁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:00, କାଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:00 ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ପରି ଏହି ନୂତନ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ରାତି 2:00 ବାରୁଆ ସାଗର ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ସୂଚନା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ରୁହନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୁଲାବ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥାଏ, ସେପଟେ ସାହସ ବାନ୍ଧି 6 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଜ ନୂଆ ବୋଟ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମୟ 6:00, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଗୁଲାବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏପଟେ 6 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଧରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୋଟ୍ ବି ସାମ୍ନା କରେ ଗୁଲାବର ପ୍ରଭାବକୁ। ଜୁଆର ଉପରେ ଜୁଆର, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଲାଗିଥାଏ। ବାରୁଆଠାରୁ ମାତ୍ର 10 ନୌଟିକାଲ ମାଇଲ ପରେ ବୋଟ୍ଟି ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଓଲଟି ପଡ଼େ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଡିଆଁ ମାରନ୍ତି ଏଥିରେ ଥିବା 5 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ହେଲେ ରହିଯାଆନ୍ତି 18 ବର୍ଷର ଯୁବକ ମୋହନ ରାଓ। ମୋହନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବୋଟ୍ରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆକୁପାଲି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୋହନଙ୍କୁ 4 ନୌଟିକାଲ ମାଇଲ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଆସେ ଏବଂ ଏଥର ମୋହନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 6 ଘଣ୍ଟାର ଦୀର୍ଘ ସନ୍ତରଣ ପରେ 6 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ମୋହନ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ନୂଆକରି କିଣାଯାଇଥିବା ବୋଟ୍ଟି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଥିବ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ, ବୋଟ୍ଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ତାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। एक बंदा, एक मतलब लड़का 13 साल की, 14 साल के लड़का था, तो क्या अंदर डूब गया है। तो उनको मतलब इंक्वायरी करने से बोला कि जो लास्ट आदमी आए थे उन्होंने क्या है कि बोला कि मैं उनको बंदे को तो लेके आया हूँ, पर ये सामने नज़दीक आने के टाइम में तो थोड़ा वेव के ज़्यादा होने से उसके वजह से तो उन्होंने क्या डूब गया बंदा। केमिति घटिला बरमुंडा ट्रायंगल भली रहस्यमय घटना। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଏବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥମୁନି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଉଛି ହେଲେ ପୂରଣ ହେଉନି ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ଦାବି। ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଆସି ଫେରୁଥିଲେ ବି ପିପିଲିରେ ବାସ୍ତବିକତାର ରୂପ ନେଉନି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଦଳର ମିଶ୍ର ପର୍ବ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁହଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ। ବିଜେ ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁହଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଉଛି ହେଲେ ପୂରଣ ହେଉନି ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ଦାବି।
बारंबार टंका आसी फेरुथले बी पिपिली रे वास्तविकतार रूप नेउनी बस स्टैंड निर्माण कार्य। पूर्वतन मंत्री तथा वरिष्ठ बीजेडी विधायक स्वर्गत प्रदीप महारथी एठारु लगातार सात थर जीति मंत्री होइथले बी पिपिलीवासीको आशा आज पर्यंत पूरण हो पारिनाही। गत 30 वर्ष भितर एठारे बस स्टैंड टे निर्माण हो पार नथिबा बेले स्थानीय अंचलवासी गमनागमन को नै नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउचंती। जी की 33 वर्ष हम जी की दिवंगत विधायक थे प्रदीप महारथी सी पिपिली डेलांग शासन मारे थे एक वर्ष मुख्यमंत्री सी भी शासन मार चल एक वर्ष नंबर वन मुख्यमंत्री बोली समस्त कौन कि भुवनेश्वर राजधानी टू जो भाई जगार राजधानी नेता मंत्री मान माओमाड़ नेता मंत्री समस्त बासगृह ताठ मात्र 20 किलोमीटर दूर पिपिली निर्वाचन मंडली तार पाख निर्वाचन मंडली पिपिली निर्वाचन मंडली विकास कहले पिपिली रे स्वप्न पिपिली एक बस स्टैंड दरकार था जहाँकि तीन तीन थर विधायक भित्तिप्रस्तर स्थापन करते कि सी दिवंगत हो गले कि पिपिली बस स्टैंड हो पारा ना जहाँकि पिपिली कलेज निर्भर कर बहुत छात्र पिपिली हाट निर्भर कर बहुत चाषी कृषक आज रोड रास्ता खरार ठिया हो बस स्टैंड पारानी पिपिली ये परिस्थिति पिपिली डेलांग निर्वाचन मंडली 2013 मसीह एठारे बस स्टैंड निर्माण पर 1,50,00,000 टंकार प्रकल्प आसीथिले भी एहा कौनसी कारणरु अटकी रहिथिला। परे पूर्वथर भर्चुआल रैली समय मुख्यमंत्री एही बस स्टैंड निर्माण कार्य हेबो बोली प्रतिश्रुति देइथिले मध्य एपर्यंत भित्तिप्रस्तर स्थापन होइनथिबा देखिबाकु मिलिछि। अन्यपटे चलित उपनिर्वाचन समय रे विरोधी बीजेपी और कांग्रेस एहाकु प्रसंग करी बीजेडी को टार्गेट करथिबा बेले एहा केवल सरकारक धुआंबाण बोली कहिछन्ति। देखो कटक बस स्टैंड मुझे विधानसभा कमिटी जाइए शह शह कोटी टाँग सांक्शन होगी भी कटक बस स्टैंड अवस्था खराब पूरीर बस स्टैंड अवस्था खराब भुवनेश्वर बस स्टैंड अवस्था खराब बालेश्वर बस स्टैंड आज पर्यंत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शुभ देकर आज पर्यंत करे ठीक सेमती पिपिली बस स्टैंड अवस्था ये 25 वर्ष बीजेडी शासन परिणाम फाल्स बिल जिते टंका आसुची कम काम होता कम काम हंता मुख्यमंत्री कौन न कौन थे कहली पा कालिया योजना कल समेत पाई टाउटर तो पाई पिठा योजना भौणी मैंने महिला मैंने के जन पाई विजु बाहन अरे 50,00,000 लोक बेकार बुलूं ये टोका ये किए पाई विजु बाहन सेप्टेम्बर 30 उपनिर्वाचन भोट पड़े निर्वाचन फलाफल आसीबा परे राज्य सरकार बस स्टैंड निर्माण प्रतिश्रुति पूरण हेबो ना पानी रो गार पलटिबो ताकु अपेक्षा रहिछि। पिपिली रो कैमरा पर्सन हेमंत सेठी और सनातन भोईंक सह कालूचरण साहू दुर्गा माधव परिडा और सदरपा सामंतराय रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राज्य में 90% रु अधिक लोक मांसाहारी अधिक परिमाण जंक फूड एवं तेल भाजी खाइबा जोगु गैस्ट्रिक मधुमेह हृदरोग आदि पड़ुछि। आसोचामर एक रिपोर्ट आसी एभली संगीन तथ्य खाली एति कि नुहे जातीय हार तुलना रे ए रोगी संख्या आम राज्य में 2 गुणा अधिक जदि लोके एबेठु सतर्क न हुवंति आग को परिणाम भयावह हेबो बोली आशंका करा जाउछि। ओडिशारे बढ़ुची अण संक्रमण रोगी संख्या कोरोना कोप कमी नथिबा बेले चिंता बढ़ाइला अण संक्रमण रोग जातीय हार तुलनारे ओडिशारे एही रोगी संख्या अधिक अर्थ अभाव राज्य में 58% लोक नियमित स्वास्थ्य परीक्षा करती ना ओडिशारे 68% लोकंक मासिक रोजगार मात्र 10,000 टंका। आसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आसोमर रिपोर्ट आसी उद्वेगजनक तथ्य बल स्वरूप लोकों निकट में किडनी समस्या हृदरोग श्वासक्रिया जनित रोग उच्च रक्तचाप डायबिटीज गैस्ट्रिक बदहजमी और मस्तिष्क विकृत भाई रोग होशे जातीय हारटार अधिक जातीय स्तर में प्रति 1,000 लोकर 116 जन अण संक्रमण रोगी पीड़ित होता बेले ओडिशार प्रति 1,000 लोकर 272 जन विभिन्न अण संक्रमण रोग से पीड़ित जहाँकि जातीय हार तुलन 2 गुण अधिक गैस्ट्रिक बदहजमी राज्य में 15.3% लोक पीड़ित होता बेले जातीय स्तर में यह हार 3.19% रही उच्च रक्तचाप राज्य में 9.42% और मधुमेह डायबिटीज 3.76%
श्वासक्रिया रोगरे 3.74% एवं मस्तिष्क विकृत जनित रोगरे ओडिशारे 1.75% लोक पीड़ित अछन्ति। चेंजिंग लाइफस्टाइल आम एक्सरसाइज करने एवं फूड हैबिट आम चेंज हो जाए तेनालीटा गोटे फैक्टर है। पर्सनाल आवरेज जो आम अधिका रोचे तेनालीमु केयरफुल रहा पड़े से फुड हैबिट पर नॉनवेज आम ये इनटेक बेसी रोचे फास्ट फुड इनटेक बेसी रोचे युवपीढ़ी मैंने सेगढ़ बेस खाऊपर टी हेल्थ आवेरनेस क्रिएट करते ओडिशा लोक अधिक मात्रा रे आमिष प्रिय आश्चमार रिपोर्ट अनुसार राज्य में 91.6% लोक मांसाहारी सेहीपर ओडिशा रे फल अपेक्षा अधिक मात्रा लोक जंक फुड बा तेल भाजी खाइबा खूब पसंद करते। राज्य में 37% लोक आदम फल खाऊन बेले 40% रु अधिक लोक जंक फुड खाई सेहीपर ओडिशा रे दुग्ध सेवन करथुवा लोकंक संख्या मध्य कम राज्य में 36% रु अधिक लोक दुग्ध सेवन करते नहीं बोली रिपोर्ट रे कहा जाइछि। तो लोक हेल्दी फूड उपर टिके ध्यान दियंतु एवं हेल्दी लाइफस्टाइल पर्टिकुलर एक्सरसाइज उपर ध्यान दियंतु मो मतरे जदि सेतिके टिके कले तले हमरे जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रो इंस्टेंसेस अधिक छोडा कमि दिबो कारण सेटा बेसिकली प्रिवेंटेबल डिजीज हमें जदि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिवा तले ओबेसिटी होबनी ओबेसिटी नले आपनकर डायबिटीज होवार संभावना कमि दिबो। अणसंक्रमण रोग बढ़िवार चांस नै आपन खाली गोटे अणसंक जोटा कहते नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आम इंटीग्रेटेड सर्विलांस कले आमर सर्विलांस चलता आम जोरदार सर्विलांस करे निश्चय केस डिटेक्शन हे केस तो अच्छा परसेंटेज केस गुडा अधिक हो पारे। अधिक मात्रा रे आमिष खाइबा विशेष करी लाल मांस खाद्य रे अधिक तेल और जंक फुड खाइबा एवं कम परिमाण रो फल खाइबा जोगु गैस्ट्रिक मधुमेह हृदरोग आदि बढ़ुची बोली स्वास्थ्य विशेषज्ञ मत रखिछंती। सचेतन नहले एह आगकु मारात्मक होइ पारे बोली आकलन करा जायछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीपक सह दिव्यज्योति महांती और प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय सरिछि बुलेटिन को एड़ी सरिछि मते विदा दियंतु नमस्कार।